नहीं देखो कितना होता है ये, 11 बाई 6 का होता है जी, 11 बाई 6 का, 1 फुट का ये अंदर से गहरा होता है, गहरा होता है। इसके कितने पैसे देते हो आप इनको? इसका जी पहले तो 284 रुपये थे, अभी सरकार का यह बढ़ रहा है, अभी लोग पता नहीं कितने बढ़ रहे हैं। आपको पता नहीं कितने? नहीं इतना। ठीक है जी, धन्यवाद आपका, बढ़ जाओ भाई। तब जी राम राम। राम राम। आप ये बड्डे निकाल रहे हो अब यहाँ पर? हाँ जी। तो कितनी देर में निकाल देते इसको? यो 2 बजे से पहले नहीं निपटता जी। क्या आदमी लगो हुई आप इसमें? 1 लागो 2 लागो 3 लागो? हम एक खड्डे में 2 है जी, मतलब अलग अलग खड्डे 2। अब इसमें 2 हो आप? हाँ। इसमें एक में 22 फुट चकोरे हो गए हमारे दोनों के। अच्छा। हाँ। गहरा हो गया तो अब ये कितना चौड़ा है, इसकी गहराई कितनी है, कितनी लंबाई इसकी? 6 फुट चौड़ाई है, 11 फुट लंबाई है। अच्छा, ये 2 है हमारे, 2 है। हाँ। इसका रेट कितना मिलेगा आपको? अभी पता नहीं। तो इसमें मट्टी कितनी का आती है, कितनी होती है अंदाजा? वैसे किलो के हिसाब, मन के हिसाब कितनी होती है? हम तोल तो रहे नहीं जी अंदाजा। 100 मन मट्टी। ठीक है, धन्यवाद। 100 मन हो जाए इसमें मट्टी? हाँ, 100 मन हो जाए मट्टी। तो 100 मन के आपने 300 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। हाँ। तो यानी कि 2 बजे लग 2 आदमी निकालो इसको। 2 आदमी? यानी कि एक आदमी काट दे इसने। हाँ। तो 2 बजे के आसपास यानी कि एक आदमी इसको निकालता 100 किलो 100 मन माटी को, यानी कि यहाँ से बाहर निकाल देता। तो ये तो फिर बहुत कम हो आपकी मजदूरी तो? कम से जी हमारी कम मजदूरी है हमारी। तो इतनी मजदूरी क्यों आपकी, क्या कारण है? आप मजदूर हो, आपकी क्या कारण? आप मजदूरी तो करो, आपने उसका पूरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण इसका? को नहीं मिल रहा जी, हमने को संभाल तो कर नहीं रहा ना, को कनिया है। अच्छा, जब से अब लॉकडाउन खत्म हुआ नहीं, तो लॉकडाउन शुरू हुआ जब से, सॉरी मैंने जो बोल दिया था, मैं अपने शब्द वापसी लेता हूँ, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसकी क्या सुविधा मिली आपको? कुछ नहीं मिली जी हमने, कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं कुछ नहीं मिली। आपका राशन कार्ड कैसा है? गुलाबी है, वो पीला है जी, पीला BPL। तो उस पर आपने क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यानी कि आपने कोटा में क्यों मिला भरी और तेल पानी? हाँ, तेल मिला है। आपके खाते में पैसे आए हैं? ना, खाते खुते में नहीं आए, कोई पैसा नहीं आया। सरकार तो कह रही है हमने इतने पैसे देंगे हम, आप लॉकडाउन में ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं। देखो जी, जिसकी आन लागे ना शुरू में उसे के आवे, और बाकी नहीं आंदे फिर। और नहीं, आपको तो नहीं मिला? नहीं। ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद। कैसा है? मारा तो आ रहा है, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता? नहीं। आपका मनरेगा में नाम आ गया है? हाँ। तो आप इसको कै बजे तक निकाल दो? 2 बजे तक। 2 बजे तक? हाँ। तो मजदूरी आपने ठीक लगा या ठीक है, कम है, ज्यादा है? गरीब आदमी है जी, अपना पेट पालना है, सरकार का हाथ में है, या कितना ही दो कितना ही नहीं। ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद। क्या नाम भाई साहब आपका? अजमेर। अजमेर जी, जो आप अभी ये बड्डे निकाल रहे हो, इन में लॉकडाउन सरकार कह रही है कि आप घर पर रहो, जो कोरोना महामारी चली हुई है अभी, तो सारा विश्व यानी कि सभी देश माले इसकी चपेट में आए हुए हैं, तो सरकार वाले नु कह रही है कि आप घर पर रहो, घर पर रहो, तो आपको फिर भी मनरेगा का काम लॉकडाउन में दिया हुआ है, तो आपको घर पर क्यों नहीं रहने का दिया? पेट खड़े दबर आएंगे, घर आ रहेगा। सरकार कह रही है हम ये सुविधा दे रहे हैं, आप खाते में पैसे डाल रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं, आपको कितना अनाज मिल रहा है फ्री? तो मैंने 20 किलो। 20 किलो? क्या आदमी हो आप घर में? चार आदमी। 4 आदमी 20 किलो में पर काम चल जाए महीने का? हाँ, महीने में 10 दिन का भी कौन चलता। तो बाकी कहाँ से काम चलाओगे आप? यह दिहाड़ी करने लाए रेस में चलावांगे। तो यह दिहाड़ी तो आपने लॉकडाउन में दी गई, तो बस जब सरकार आपने नू को तो आप घर पर रहो, तो घर पर क्यों नहीं रहे? भूखे मरते रहो घर पर, भूखे मर रहे घर आ रहा घर। लॉकडाउन का फायदा क्या, जब भी आपको मनरेगा का काम दिया हुआ लॉकडाउन में? वो तो सरकार ने मेरा भी, हमने की हमने तो काम मिलना चाहिए। आपने डर लग गया हमने उस कोरोना था? कोरोना पेट तो डर लग गया, कोरोना तो कौन लगता? पेट तो डर लगा, कोरोना तो कौन लगता? बच्चे भी तो पढ़ने, वो भूखे मर गए तो कड़ा ले आवांगे। ठीक जी, ये भी बात सही है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब आपका। राम राम। मजदूरी सही लग गया है ना बेटा? सारा दिन का हमारा दिहाड़ी तो कोनी बदरी। दिहाड़ी कौन इसमें मैंने सही तारिया थोड़ी है जी, क्या हुआ सारा दिन में बता? सारा दिन का हम जड़ा है परिवार में। आप क्या आदमी हो, क्या लेडीज हो, क्या आदमी है, क्या बच्चे हो?
दो बच्चे चार हैं जी हम चार हैं। तो इसमें मतलब जो सब बदन की आप या दिहाड़ी करो यार बड़ा निकाल लो आप, इसमें आपका परिवार का पालन पोषण हो सके है? ना जी को नहीं होता, को नहीं होता 300 रुपया की दिहाड़ी में। तो फिर कितनी होनी चाहिए यार लोन भी उठा रखे बताओ जी, हो तो सरकार ने बतानी है कितनी बताओगे। तो यानी कि कम है यार? हाँ कम है। कितनी कम है यार? कितनी 400-500 तो होने चाहिए। हाँ जी दुफा सब दुहारी लगे और एक दो बजे लग लागे रहो जी, यानी कि 7 बजे तो 2 बजे लग लागे रहो। हाँ चलो चलो। अरे आपने कोरोना का डर नहीं लगता? डर तो लग गया है, फिर क्या करे, काम तो करना पड़ा है। फिर डर लग गया फिर भी आप लाग रहे, फिर और क्या करे, बड़का खतरा। क्यों लाग रहे आप, किस माले क्यों लाग रहे, जब मैं सरकार का रही आप घर पर रहो और आपको कोरोना में काम दिया गया तो आप घर पर नहीं। काम तो कौन चलता घर बता, घर तो उसने बेचेंगे चलाओगे खाएंगे तो दिहाड़ी कम से कम 500 रुपये तो होनी चाहिए। हम 2 बजे तो ही लागे रहे यहाँ, 500 रुपये कम से कम होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए 500 रुपये। क्या मिला आपने, क्या सारा मिला है, क्या मिला था ये डले डो सरकार आप खाता में पैसे नहीं आए, ये ही करेंगे तो जब गाल लेंगे जी सरकार वो कड़ा गाल लेती बिना करे। 500 रुपये दिए जी, जो जीरो बैलेंस का खाता जो खुलवाए थे जनधन खाते उनमें पैसे नहीं आए आपके, 500 रुपये आए जी उनमें, क्यों हुआ खाते ही नहीं है उसके जमीन। यूँ कितनी थे आपने? 15 किलो 15 किलो में आपका गुजारा हो जमीन में, फिर क्या करा जी पे करना तो बाकी 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 बस अपना लाग रहे के करा जी। इतना पैकेज दिया जी 20,20,000 करोड़ का पैकेज दिया जो सरकार ने, पहुंचे आपके पास नहीं, जो बोल रहे हैं गरीबों को ये देंगे किसी को नहीं रहा, जो बड़ी कंपनी है उनका लोन माफ किया गया है, उनको दोबारा पैसे दिए गए हैं कि अपना काम चलाओ, जो गरीब आदमी हम 2-2 बजे लग रहा हूँ कम से कम 500 रुपये कम से कम चाहिए। अरे राशन कार्ड है 5 किलो दाने मिले एक बच्चे को। अच्छा दो रोटियां क्यों है, तो फिर मजदूरों के साथ ऐसा क्यों होता, कभी तो मजदूर रेल की पटरी पर कटने के लिए मजबूर हो जाए, कभी माले रोड पर निकलने के लिए हो जाते हैं, लेकिन क्यों होता, ये क्या कारण है सरकार का? ये सरकार का ये मजबूरी है, अगर पेट खाना ना मांगेगा तो घर पे सोएगा, बच्चे तो उसके घर पे है वो कहीं पर है, मजबूरी में पैदल चल रहा है, रोड पर मजदूर कट रहा है, क्यों कर रही है सरकार है? तो अब जैसे पैदल चले थे मजदूर, हाँ। उनको वो कहा था किसी ने माले पेट हमारे को भरपूर यहाँ खाना नहीं मिल रहा, हमको 3-3 दिन से भूखे हो गए, तो ये मजदूरों की दशा किस कारण हो रही है, क्यों हो रही है? ये मजदूर क्या करें, घर पे खाना पहुंचा सकते हैं, बच्चे भूखे रहेंगे, सरकार की वजह से सरकार घर पे दो घर पे रहेंगे, लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। आपका गांव जींद हल्के में आता, तो जींद का विधायक उसने आपकी कोई मदद करी है? नहीं करी मदद, जब इलेक्शन से पहले कितनी बार आया आपके पास? मेरा जींद का जो जींद बाय इलेक्शन था, रात रात को भी घूमे, दो वोट दो ये करांगे ये करांगे, कुछ नहीं कर। आपके घर पर आया है? खूब आया है। तो अब उसने कोई मदद नहीं करी उस बिन रहा, ये नहीं पूछ रहा तेरे जींद हल्का में तेरा गांव है कि नहीं है, तो आप पूछ से पूछो जाके, पूछते हैं क्या मंत्री जी है नहीं, एमएलए साहब जा रहे हैं, ये है वह है, वैसे किराए पर रहने वाले बंदे हम, कहाँ से करा देंगे, कहाँ से बच्चा पालेंगे। क्या नाम आपका? रमेश नाम है जी। रमेश जी धन्यवाद, हमारे को आपने 2 मिनट का टाइम दिया, हम आपकी बात सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे। ओके ताऊ राम राम। क्या नाम ताऊ आपका? सुभाष जी। सुभाष ताऊ आप इतनी दुहारी में भी काम कर रहे और जबकि सरकार ये कह रही कोरोना महामारी आप घर पर रहो, पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका है, तो आप ये इतनी दुख में भी लग रहे, क्या कारण इसका? क्या करे जी, पेट के लिए करना पड़ा है। पेट के लिए सरकार आपको मदद नहीं दे रही? पता नहीं मामले का मदद कुछ मिली नहीं, मिल नहीं रही आपको? कोई मदद नहीं मिली। क्यों नहीं मिली आपको मदद, क्या कारण है इसका? क्या पता जी, ये कारण का तो पता नहीं हमें। अच्छा आपने कोई मदद नहीं मिली? ताऊ जी आपका क्या नाम है? बलबीर जी। बलबीर जी ताऊ जी इतनी दुहारी में आप काम कर रहे, कोई भी अफसर आपके यहाँ खड़ा नहीं है 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता दुख में, तो आप इतनी दुख में खड़े? अफसर आओ जी, रोज रोज बड़े चक्र है, जब गवर्नमेंट तो 5 किलो तो दाने दे दिए गवर्नमेंट ने, खरीब 1 क्विंटल क्यों दे दिया, केक भी नम है खरी, उसके घर ले और भी तो खर्चा है, घर में डांगर है पशु और हम भी है, 5-5 घर में जी है खाने वाले, 5 किलो दाने से क्या हुआ है? 5 किलो दाने क्या आदमी है आप परिवार में? परिवार में 7 जने हैं।
कितनी गेहूँ मिली आपने? हमारे को मिली 25 किलो गेहूँ। सात जना ना 25 किलो? पाँच छोरिया की छोड़ कर। अच्छा, मैंने वो राशन कार्ड में नहीं है। राशन कार्ड में छोरी नहीं है। तो आपने 25 किलो गेहूँ काफी महीने में? नहीं जी, नहीं चलता काम। बाकी कहाँ से चलाओगे? बाकी काम क्या चला, बड्डे खोदा गए अपने। बड्डे को गल्ला मिल जाए? गल्ला नहीं मिलेंगे तो तेरे पर उधारे लेके काम चलाओगे अपना। वो मैं क्या दिन दूंगा आपने? तू आप नहीं दोगे और किसी पे तो लेवा, जो सर्विस वाले उन पे तो ले लिया। हमारे जींद के विधायक थे कृष्ण मिड्डा जी, इलेक्शन से पहले आपके पास, जो इलेक्शन होने से पहले आपके पास आए थे वोट मांगने के लिए? मिड्डा नहीं आया हमारे पास है वोट मांगने? हाँ, हमारे पास नहीं आया। तो अब वो विधायक बढ़ रहे, उसने आपको कुछ सहायता दी? वो कोई देवा तो सुवाल और दूसरा पीछे लेवा दो, वो तो बढ़ते 100-150 से मांगेगा। आप दो विधायक है, उसने कोई मदद नहीं करी? ना कोई मदद नहीं रखी अपनी सरकार की तरफ तक। सरकार की तरफ कोई पीछा नहीं आया लगे। क्यों नहीं आए? मैं मारे को क्या पता क्यों नहीं आए, मारे पास कोई पैसा नहीं आया अपने पास। आगे आ जाओ भाई। भाई तू तो हथा गल भी झूठ रही है। अरे भाई पेट भरना और के करा, पेट में तो भरना है। एक तो धूफ उपरता है, कितनी पड़ रही तेन लखा मड़ी ही ना। हाँ, एक तो धूफ उपरता। अरे फिर कोरोना का डर पूरा देश में, तू घर को नहीं रही? अरे काम नहीं करा, फिर बालक के खाओगे? बालक के खाओगे? सरकार मदद दे रही? मदद उसमें मैं ले पाइया तो दे, पाइया घूम दे, उनमें बनेगा कि? और कितनी चाहिए तने? कम तक कम भी 20 मिनट तो लाग दे साल की। साल की तो फिर साल तो वही तो कोनी, तो साल की बे ले ले का फिर एकदम तो ठीक हो गई। सरकार, सरकार ने काम तो दिया, यू लॉकडाउन में क्यों दिया आपको? फिर भी करना तो पड़ेगा लॉकडाउन, मैंने सोचा था भूखे मरा बाहर तो जा नहीं सकते। सरकार जब सरकार आपको ये भी कारी की आप भी तर रहो कोरोना तो कर लो काम काम में तो कब है कम है। हाँ। फिर कोरोना का डर नहीं लगता था? किमें डर लगता, मरेंगे तो मर जाएंगे, ये भूखे कुकर मरा है भी मरना। मतलब कोरोना का डर से तो फालतू पेट का डर? हाँ, पेट का घना डर फालतू है, बताओ ये भी भूखे कुकर मरा। ठीक है ताई, धन्यवाद। क्या नाम भाई आपका? जोगिंदर। जोगिंदर जी, जो आपने अभी बर्थडे की राशि मिल रही है, ठीक है? ठीक है जी। इसमें संतुष्ट हो आप? संतुष्ट। ठीक है जी।